आचार्य नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में पुलिस के हाथ कई साक्ष्य लगे हैं। शिष्य आनंद गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया गया। साथ ही नरेंद्र गिरी की एक वीडियो और सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही, क्योंकि सवाल खड़े हुए थे कि आचार्य नरेंद्र गिरी को लिखना नहीं आता। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। आचार्य नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में पुलिस निष्पक्षता से जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में कई और कड़ियां भी जुड़ गई हैं। एक वीडियो को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। फिलहाल हमारे साथ हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी, जानेंगे कि किस तरह से सर जांच शुरू की गई है अभी, और अभी तक क्या साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे हैं। जब जैसे ये सूचना प्राप्त हुई थी मान जी के देहावसान की, तो प्रारंभिक सूचना के हिसाब से उनके शिष्य ने जो सूचना दी थी उसके हिसाब से महंत जी के द्वारा आत्महत्या की गई है, और जब तक वहाँ मौके पर पुलिस पहुँची तब तक महंत जी के शरीर को वो लोग जो पंखे से लटक रहे थे वो नीचे उतार चुके थे। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने अपने पुराने शिष्य आनंद गिरी और उसके अन्य दो साथियों पर आरोप लगाए हैं कि जिनके उत्पीड़न से कारण ही उनके द्वारा इस तरह के घटना कारित की जा रही है। तत्काल कार्रवाई करते हुए उस उपरोक्त आनंद गिरी को हरिद्वार से उत्तरांचल पुलिस के सहयोग से डिटेन किया गया है और वहां से एक टीम लेके प्रयागराज आ रही है, और बीती मध्य रात्रि में आनंद महाराज जी के एक शिष्य के द्वारा FIR भी जॉर्ज टाउन थाने जो कि प्रयागराज जनपद में स्थित है धारा 306 IPC के तहत दर्ज कराई गई है और जिसकी विवेचना की जा रही है। मौके से जो एविडेंसेस मिले हैं तथा जो फॉरेंसिक टीम ने एविडेंसेस एकत्रित किए हैं उसके आधार पर विवेचना चल रही है, और जल्द ही हम लोग इस केस का खुलासा करेंगे। पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा किया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई शंका ना रहे। सर, ये बताया जा रहा है कि इसमें तीन लोग हिरासत में लिए गए हैं, वो तीन लोग कौन है? अभी केवल एक व्यक्ति ही हिरासत में लिया गया है, जिसकी औपचारिक गिरफ्तारी अगर विवेचक चाहेंगे और जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर की जाएगी। इसी तरह कोई वीडियो भी जारी हुआ है सर, जो जिसको चर्चा बनी हुई है कि इस वीडियो में उन्होंने आखिरी बयान दिया है और इस पूरे आरोप भी लगाए हैं किसी के ऊपर, तो ऐसा कोई वीडियो सर क्या पुलिस के हाथ भी लगा है? मैंने आपको बताया कि बहुत तरह के साक्ष्य हमारी फॉरेंसिक टीम ने और हमारे विवेचक ने मौके से एकत्रित किया है जिसका अध्ययन किया जा रहा है। इसी तरह से जमीन को लेकर भी विवाद चल रहा था कि इस तरह की कोई बात सामने आई? ये सभी चीजें विवेचना का पार्ट है, जैसे ही पूरे केस का खुलासा होगा हम आपको अवगत कराएंगे। किस तरह के अधिकारी को लगाया गया है? फॉरेंसिक के अलावा कुछ बड़े अधिकारी जो उनको वहाँ पे भेजा गया है? वहाँ प्रयागराज खुद ही, प्रयागराज में ADG और IG स्तर के अधिकारी बैठते हैं, उन सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि बहुत सूक्ष्मता से और बहुत गहनता के साथ इसका पर्यवेक्षण करें ताकि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। सुसाइड नोट को भी लेकर सवाल उठे थे कि वो उनको राइटिंग नहीं आती थी, वो लिख नहीं पाते थे, तो ऐसे सुसाइड नोट पे भी सवाल खड़े हुए हैं। वो जो भी दस्तावेज मिले हैं उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया जा रहा है, और उसके एग्जामिनेशन के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो देखिए, ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का साफ तौर पर कहना है कि अभी रुकना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी साक्ष्य पुलिस जुटा रही है, जिसके बाद ही किसी परिणाम पे पहुंचा जाएगा। लेकिन जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अमन के साथ जनता TV लखनऊ।